नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक के बारे में। कल हमने इसमें कहा कि एक क्रैश यानी 320 और 290 के बीच के लेवल्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक आरबीआई के गाइडलाइंस थे जहाँ उन्होंने कहा कि प्रोविजनिंग जो है वो लगभग 5% इंफ्रा जैसे कंपनियों को अगर आप प्रोजेक्ट देते हैं, अगर आप फाइनेंस करते हैं तो 5% तक आपको प्रोविजनिंग करनी होगी। इसको इन डेप्थ एनालिसिस कल के वीडियो में हमने करा था, तो अगेन इसको रिपीट करके बड़ा वीडियो नहीं करना चाहेंगे। इस समय जियो फाइनेंस के टेक्निकल लेवल्स और रिसेंट के न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कल तक पास्ट वन मंथ के ट्रेंड कंसोलिडेट थे, लेकिन आज ये ट्रेंड जो है क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। इंडिविजुअल साथिया जी के अपॉइंटमेंट वाले जो न्यूज रहे थे वो लास्ट एक बड़ी न्यूज रही थी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। इसके अलावा डिलीवरी वेटर है जो टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे, वो ट्रेंड इस समय निगेटिव होते दिख रहा है। जो ट्रेंड है वो क्या होते दिख रहा है, ट्रेंड निगेटिव होते दिख रहा है। यहाँ देखेंगे आज के वॉल्यूम लगभग 3 करोड़ के वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकडाउन करा, और 3 करोड़ इज नॉट अ कॉमन वॉल्यूम। ये रिसेंट के जो हाई बने थे उसके बाद का ये पहला ऐसा है जब स्टॉक में 3 करोड़ के वॉल्यूम दिखे हैं। टेक्निकली एक बार चार्ट को देखें, आखिर टेक्निकली स्टॉक का चार्ट क्या दिख रहा है। यहां देखें तो स्टॉक ने अपने जो ट्रेंड लाइन थे उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करा और पोटेंशियली 300-320 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 382 के लेवल्स को जब तक ब्रेकआउट ना करें अपर साइड मोमेंटम नहीं दिखेंगे। स्लो एंड स्टडी स्टॉक 310-320 तक के इजिली लेवल्स हिट करते दिख सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।